morning my little champs how are you all hope you are all doing well welcome to science class students uh, in our previous video we have read about all the living things birds like either it's a human beings or the animals or the plants so today we will read about the birds okay so uh, you know birds insects and bats are the only three groups of animals that have the ability to fly एज यू ऑल नो बर्ड्स इंसेक्ट्स एंड बैट्स ओनली फ्लाई दे आर एबल टू फ्लैट देयर विंग्स एंड लेफ्ट देयर बॉडी अप थ्रू द एयर जब वो आसमान में उड़ते वो क्या करते अपनी विंग्स को ओपन कर लेते पूरा फ्लैट कर लेते और उसी के फोर्स से वो और ऊपर उड़ जाते हैं उठते हैं ना सो दिस इज़ द वे दे यूज टू फ्लाई सो लेट्स रीड अबाउट द बर्ड्स 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 लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड as you all know all living things need food either it's uh, human beings either it's uh, uh, plants or animals or birds why they need food they need food to grow or to stay healthy some birds eat flesh while some eat grains seeds and fruits like animals and human beings they both few animals few human beings loves to eat uh, uh, flesh eating they, they use love to eat flesh and few animals and human beings they are they eat plant producing food in like the same way birds also use to eat like this way few birds eat Plant producing food and few birds eat flesh. Okay. Birds use their beaks and claws to catch, hold, and eat their food. Okay. So birds as you all know, they don't have a hands to eat. So so how they eat their food? They use beaks and claws. Beaks means choch and claws means their पंजा ओके okay, जिनको हम हिंदी में पंजा कहते हैं ये दोनों की हेल्प से दे यूज़ टू ईट ओके सो यू नो द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक एंड इट्स क्लॉज आर सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट इट्स ये आपको भी पता है एनिमल्स का भी ऐसा सेम ही है जिस टाइप का वो अब उनकी फूड ईडिंग हैबिट्स होती है उन टाइप की उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर हो जाती है वैसे ही बर्ड्स का भी है डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ़ फूड ईडिंग हैबिट्स दे ऑल आर डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ देयर बीक्स एंड क्लॉज ओके सो टूडे वी विल रीड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स What are they? Strong, sharp and hooked beak. Strong मीन meaning, meaning you know, sharp meaning you know. Now what is the meaning of hooked beak? हुक्ड मीनस थोड़ी सी छुकी हुई जो उनकी बीक होती है जिनको हम चोच कहते हैं वो फ्रंट से देखिए इन सब की बीक थोड़ी सी छुकी हुई है, है ना फ्रंट से तो इनको ही हुक्ड कहते हैं जो झुकी हुई चोच होती है उसको हम हुक्ड पिक कहते हैं ईगल्स बल्चर्स होक्स काइट्स एंड आउल्स आर बर्ड्स ऑफ प्रे ये जितने भी बर्ड्स है दे आर बर्ड्स ऑफ प्रे बर्ड्स ऑफ प्रेमिन ये सब शिकार करके खाते हैं ठीक है हिंसक बर्ड्स ऑफ प्रेमिन जिनको हम हिंसक पक्षी कहते हैं दे ऑल आर दे ऑल आर बर्ड्स ऑफ प्रेमिन ये शिकार करके खाते हैं और ये क्या खाते हैं दे ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक चिक्स माइट्स फ्रॉग्स एंड स्नेक्स ओके दे लव टू इट दिज टाइप ऑफ एनिमल्स दे हैव स्ट्रोंग शार्प एंड हु टू टीयर फ्लैश अब आप सोचोगे कि इनकी चोच थोड़ी सी झुकी हुई क्यों होती है आगे से क्यों होती है इनकी जो चोच होती है वो आगे से झुकी इसलिए होती है क्योंकि जो भी वो खाना खा रहे हैं लाइक चेक जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनके फ्लैश को खाते हैं तो उनकी जो फ्लैश होती है उसको टीयर करने में वो बहुत इजीली उसको टीयर कर पाते हैं अपने हुक्ड पिक की वजह से अगर वो स्ट्रेट रहेगी तो वो उसको टीयर नहीं कर पाएंगे इसलिए वो थोड़ी सी झुकी हुई रहती है जिससे कि वो अपने फ्लैश को ईजिली टीयर कर पाए और वो ईजीली दे ईटअप ओके okay? वो खा सके उसको और उनकी जो स्ट्रॉन्ग भी होती है बिक बहुत ज़्यादा शार्प भी होती है मतलब फ्रंट से बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती है जिससे कि वो ईज़िली उसको टीयर कर सके और हो तो होती ही है ओके okay? सो so, इस टाइप के बर्ड्स के इस तरह के बिक की स्ट्रक्चर होती है ये हो गए कुछ बर्ड्स के नाव अब हम पढ़ेंगे कुछ और बर्ड्स के क्या स्ट्रक्चर होती है उनके बीक की शॉर्ट हार्ट एंड पॉइंटेड बीक शॉर्ट मीन्स छोटी हार्ड मीन सख्त और पॉइंटेड मतलब बहुत ही नोकीली जिनको हम बहुत ज़्यादा शार्प कहते हैं पॉइंटेड अभी किस तरह के बर्ड्स के होते हैं स्पैरोज पीजेंट्स पिकॉक्स एंड फिंचज़ हैव शॉर्ट हार्ड एंड पॉइंट बिक्स ये जितने भी बर्ड्स का मैंने नाम लिया है फ्यू मोर बर्ड्स आ देर बट फ्यू एग्जाम्पल्स आ दर इन सब बर्ड्स के स्पैरोज पीजें पिकॉक्स एंड फिंचज़ इनके बहुत ही शॉर्ट पीक होते हैं हार्ड होते हैं और पॉइंटड होते ऐसा क्यों होता है बिकॉज दिस टाइफ ऑफ बीक हेल्प These birds to pick up and crush grains and seeds. फिर इनके ऐसे जो इनकी स्ट्रक्चर होती है बीकी वो क्यों होती है लाइक देखिए स्पैरो पीजन, पिकॉक एंड फिंच स्पैरो स्पैरो की देखिए शॉर्ट है ना, पीजन की भी बहुत शॉर्ट है पिकॉक की भी बहुत शॉर्ट है एंड फिंच ये भी स्पैरो जैसा ही होते हैं, जिनको हम घर में पेट की तरह भी रखते हैं फिंच ये बहुत डिफरेंट काइंड के होते हैं तो इनकी बहुत शॉर्ट शॉर्ट बीक होती है और ये क्या खाते हैं दे पिकअप क्रश दे मतलब दे दे पिकअप क्रश ग्रेन्स एंड सीड्स थ्रू दे बीक एंड दे ईटअप ओके ये क्रश ग्रेन्स जो दाना हम इनको डालते हैं उसको वो क्रश कर सकते हैं अपने बीक के थ्रू तो वो इनकी जो ये स्ट्रेट शॉर्ट होती है इसके थ्रू ये अपने जो इनका जो फूड होता है उसको इजीली वो क्रश कर सकते हैं और फिर वो उसको खा सकते हैं तो ये क्या हो गए ये प्लांट प्रोड्यूसिंग ईटर्स हो गए तो इसीलिए इनकी ये शेप इस तरह की है ओके Now next is strong and curved beak. Strong and curved beak. Curved means जो थोड़ी सी तेढ़ी होती है. Strong means hard. The strong curved beak of a parakeet helps it to crack nuts and hard fruits. ठीक है parakeet means ये parrot जैसा ही होता है ये भी देखने में एकदम ही तो ये जो birds होते हैं इनकी इस तरह की beak होती है और ये क्या खाते हैं nuts जिसको क्रैक करने में इनको इजीली ये हेल्प करता है एंड जो हार्ड फ्रूट्स जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं लाइक गुआवा एंड ऑल जो आप विंटर्स में ज़्यादा करके देखोगे इस तरह के बर्ड्स आते हैं फ्लाई करते हुए दूसरे 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 शहरों से एंड दे लव टू इट दिस काइंड ऑफ फ्रूट्स दिस कर्फ्ड पीक ऑल्सो हेल्प्स इट टू क्लाइंब ट्रीज़ अब जो इनकी ये जो बीक जो होती है ये इनको सिर्फ खाने में ही मदद नहीं करती ये इनको पेड़ पर पे चढ़ने पर भी मदद करती है इसीलिए ये थोड़ी सी कर्फ होती है जिससे कि वो इसका सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ सके ओके नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रोंग एंड चीज़ल शेप्ड पिक ये कैसे होते हैं अ वुड पैक वुड पैक इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड हैज़ अ स्ट्रॉग एंड चीज़ल शेप्ड पिक ठीक है चीज़ल शेप्ड पिक मीन्स क्या होती है ये थोड़ी सी लंबी होती है इनकी और थिन होती है वुड पेकर वुड पेकर इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड दिस हेल्प्स इट टू टैप द बार्क ऑफ ट्रीज एंड टेक आउट इंसेक्ट्स अब ये जो बर्ड है ये क्या करता है ये जो ट्रीज के जो बाक होते हैं जो ट्रंक होते हैं उसमें वो ऐसे ऐसे करके सपोज इट्स अ बीक एंड इट्स अ ट्री वो उसमें ऐसे ऐसे टैप करता है और उसके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसको अपने बीक के थ्रू बाहर निकाल लेता है तो ये बीक इनकी इस चीज़ के लिए हेल्प आती है नाउ नेक्स्ट इज़ ब्रॉड एंड शॉर्ट बिक जिनकी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है और बहुत ही छोटी होती है ब्रॉड मीन्स चौड़ी और शॉर्ट मीन्स छोटी तो ये किस काइंड ऑफ बर्ड के होते द ब्रॉड और शॉर्ट बिक ऑफ अ स्वालो इज़ स्टिकी ऑन द इन साइड स्वालो इज़ ऑल्सो बर्ड इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड इनकी जो बीक होती है बहुत ही ब्रॉड होती है चौड़ी होती है और बहुत ही शॉर्ट होती है और जो अंदर से इनका मुंह जो होता है अंदर की तरफ से वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है बहुत ही स्टिकी मतलब चिपचिपा टाइप का होता है तो वो क्यों होता है द बर्ड मूव्स राउंड एंड राउंड इन द एयर विथ इट्स बीक ओपन अब बर्ड्स यू नो ऑल दे फ्लाई तो वो गोल गोल ऊपर आसमान में उड़ते रहते हैं और इनका जो माउथ होता है जो बीक वाला पार्ट होता है वो भी ये ओपन करके रखते हैं क्यों करते हैं टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स कैट स्टक इनसाइड तो जो छोटे छोटे मच्छर एंड ऑल जो इंसेक्ट्स जो ऊपर फ्लाई करते रहते हैं इनकी बीक ओपन होती है तो वो जब उड़ते रहते हैं तो वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इनके बीक के अंदर आ जाते हैं और वो उसे खा लेते इसी और वो जो इनकी माउथ पार्ट जो बीक के अंदर वाली पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है तो वो उसमें इंसेक्ट्स आके स्टक कर जाते हैं और उसको ईजीली वो खा लेते हैं तो इसीलिए इनकी जो जो स्टिकी पार्ट होती है वो इस चीज़ में हेल्प आते हैं कि इंसेक्ट्स आके उसमें स्टक कर जाते चिपक जाते ओके नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक अ हुपो। हुपो इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड इज एबल टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड होप्पो एक बर्ड होता है ये ज्यादा करके आपको रिवर सी उस साइड ही आपको दिखेगा और ये जो इनकी लॉन्ग एंड सिलेंडर बिग सिलेंडर मीन्स बहुत ज्यादा लंबी और बहुत ही पतली सिलेंडर मीन्स क्या होता है लॉन्ग एंड द थिन शेप्ड पिक उसको सिलेंडर बीक कहते हैं वो क्या काम आते हैं इनके ये जो कि रिवर्स और सी के आसपास आपको ज़्यादा दिखेंगे तो ये क्या करते हैं फॉर दिस इट हैज़ ए लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक वो क्या करते हैं जो ग्राउंड होती है वहाँ पर उसमें वो होल करके जो अंदर में जो उसमें इंसेक्ट्स होते सी एनिमल्स होते फिश होते जो भी होते उनको वो इजीली कैच कर लेते हैं अपने लॉन्ग थिन सिलेंडर बिग से ओके okay? तो ये जो इनकी जो बीक होती है वो इसीलिए काम आते कि वो अपने जो उनकी जो फूड है उसको वो इजीली कैच कर सके तो वो क्या करते हैं ग्राउंड में होल करते हैं और उसके अंदर जैसे उनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई इंसेक्ट्स है या उन या कोई फिश एंड ऑल वाटर एनिमल्स कोई ऐसा है तो वो जल्दी से वहाँ पर होल करके उसको जल्दी से कैच कर लेते ओके okay? नाउ नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट पिक ब्रॉड मतलब चौड़ी और फ्लैट मतल, uh, मतलब ब्रॉड एंड फ्लैट ब्रॉड एंड फ्लैट मीन्स दोनों ही मतलब चौड़ा हो गया और ऐसे चपटा हुआ उसको हम ब्रॉड एंड फ्लैट बिक कहते हैं द ब्रॉड एंड फ्लैट बिक ऑफ ए डक हैज़ टाइनी होल्स ऑन द साइड्स तो ब्रॉड एंड फ्लैट बिक किसका होता है डक का डक होता है जो आप कभी कहीं पर uh, बोटिंग एंड ऑल के लिए जाते हो तो वहाँ पे देखते हो ना वाइट कलर के स्वान बर्ड इस तरह के होते हैं तो उनका आप कभी भी बीक देखोगे ना बहुत ही चौड़ा और ऐसे चपटा सा रहता है और उनके ना जो बीक होती है वो दोनों साइड में जैसे हमारे नोज में दोनों साइड होल्स होते हैं वैसे उनके बीक के दोनों साइड में छोटे छोटे होल्स होते, होते हैं वो क्यों है? you know होता है यू नो वॉट बाई क्यों क्यों होता है द डक टेक्स इन मडी वाटर विथ इंसेक्ट्स वॉम्स एंड वाटर प्लांट्स the mud and water flow out through the tiny holes, leaving the plants and insects inside the beak. fir फिर वो क्या करते जो wo जो वो बीक जो होती है वो दोनों साइड उनके होल होते वो इसलिए होता है कि जब वो पानी के अंदर रहते हैं या मडी एरिया में रहते तो वो जब उनके मुँह के अंदर जब आ, इंसेक्ट्स प्लांट्स कुछ भी ऐसा होता है वो इनके मुंह में रह जाता है और होल्स के थ्रू जो मड होता है जो पानी होता है वो इनका होल्स के थ्रू निकल जाता है मतलब अगर जस्ट इमेजिन लाइक यू आर इन स्विमिंग पूल ओके स्विमिंग पूल में आप हो तो अगर मतलब जैसे स्वान लीजिए स्विमिंग पूल के अंदर है स्विमिंग पूल नहीं इट्स रिवर के अंदर है तो वो रिवर के अंदर है वहाँ पे फिश आ गई या कोई भी टाइप का इंसेक्ट्स आ गया तो वो जब पानी तो उसके मुंह में जा ही रहा है तो पानी उसके वो होल्स के थ्रू निकल जाता है और जो उसका जो फूड होता है वो ईज़िली वो बीक के अंदर ही रह जाता है वो उसको ईज़िली कैच कर लेता है और जो उनके होल्स होते हैं उससे वो पानी और जो भी मर्ड एंड ऑल जाता है वो उसके बाहर निकल आते हैं तो इस इसीलिए इनके बीक में दोनों साइड से होल होते हैं ओके सो so बच्चे आज हमने यहाँ तक पढ़ा है फिर इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द फीट एंड क्लॉज ठीक है अब आप ये चैप्टर अच्छे से रीड करना कुछ नहीं समझ में आता है तो आस्क मी अगेन ओके सो अ नाइस डे एंड टेक केयर बाय